उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पुलिस ने 700 पेटी अवैध शराब पकड़ी, एक को किया गिरफ्तार। आपको बताते चलें, बरेली में एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, एसपी देहात डॉक्टर संसार सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब गांजा चरस के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान के अंतर्गत सीओ मीरगंज जगमोहन सिंह बटोला और एसओ फतेहगंज पश्चिमी चंद्रकण के नेतृत्व में एक ट्रक को चेक किया तो उसमें 700 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी जिसकी कीमत 63 लाख है। एक व्यक्ति शमशेर सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर बताया कि पटियाला से बनारस ले जा रहा था, वहां से बिहार जाने जिस पर छत्तीसगढ़ मार्का लगा हुआ था। ये शराब की पेटियां चूने के कट्टे से ढकी हुई थी। पुलिस टीम में दरोगा रामवीर सिंह, संजय सिंह, आबकारी निरीक्षक शैलेश कुमार, विनय कुमार, निवेश पंकज चौधरी, शुभम राठी, संतलाल, सुरेश कुमार, अभय प्रसन्नू आदि मौजूद रहे। पेटी शराब पकड़ी गई है, किस तरीके से ये तस्करी का नेटवर्क चल रहा था और किस तरीके से आपने इसका नेक्सस को तोड़ा है? थाना फतेहगंज पश्चिमी की टीम ने एक अत्यंत सराहनीय कार्य करते हुए मुखबिर की सूचना पे एक 10 टायरा ट्रक पकड़ा और उसमें 700 पेटी पंजाब निर्मित शराब पकड़ी गई है जिसका कंसाइनमेंट संभवतः बिहार जा रहा था, क्योंकि ड्राइवर से जो पूछताछ हुई है उसमें उसको ये बताया गया था कि तुम बनारस तक गाड़ी ले जाओगे और वहाँ से कोई और इसको गाड़ी को टेक ओवर करने वाला था। संबंधित प्रकरण में जो पूरी बरामदगी हुई है, साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने ये कंसाइनमेंट वहाँ दिया था उसके नाम भी प्रकाश में आ गए हैं, जल्दी हम उसे गिरफ्तार करेंगे। कुछ और इनपुट इससे मिले हैं जिस पर पुलिस टीम कार्य कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि आगे इस तरह की और बरामदगी और गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। कितने लाख रुपए आती जा रही है इसकी? इसका जो मार्केट वैल्यू होता वो अराउंड 63 लाख रुपीज़ जो है, 63 लाख रुपए इसका मार्केट वैल्यू रहता है।